ऊर्जा मंत्री चंद्रशेखर बावनकुड़े इन्होंने ओलावृष्टि के चलते किसानों को राहत देने की मांग करते हुए शुक्रवार को सुबह जिलाधिकारी रविन्द्र ठाकरे को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में उन्होंने कहा कि नुकसानग्रस्त किसानों को 25,000 हेक्टेयर मुआवजा मिलना चाहिए। साथ ही यह ज्ञापन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे इन्हें भी भेजा गया है। पिछले 3 दिनों से जिले के साथ साथ ग्रामीण क्षेत्रों में जमकर बेमौसम बारिश ने तहलका मचा दिया है। इस ओलावृष्टि के साथ बर्फबारी भी जमकर हुई है, जिससे फसलों का बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ है। इस बात को ध्यान में रखकर जिला भाजपा की ओर से किसानों को तुरंत मुआवजा देने की बात कही है। पूर्व ऊर्जा मंत्री चंद्रशेखर बावनकुड़े इन्होंने जिलाधिकारी रविन्द्र ठाकरे इनसे मुलाकात की और पूरे जिले का सर्वेक्षण जल्द से जल्द करने की बात कही। साथ ही उन्होंने 25,000 रुपए प्रति हेक्टेयर किसान को मुआवजा देने की मांग की है। देखिए, हमने 3 दिन के जो क्लाइमेट जो पोजीशन है नागपुर और पूर्व विदर्भ में, उसमें बारिश से गारपीट से संतरा भाजीपाला कपास कुछ जगह चावल नुकसान हुआ है। 50,000 हेक्टेयर के ऊपर नुकसान हुआ है ऐसा हमारा अंदाज है। कलेक्टर ने कहा है कि हम सर्वेक्षण के आदेश दिए हैं। हमने कहा उनको कि सर्वेक्षण करो, लेकिन स्थानीय ग्राम पंचायत के साथ में बैठकर करो, क्योंकि महसूल अधिकारी और ग्राम सेवक जाएंगे, कृषि अधिकारी जाएंगे, वो कब सर्वेक्षण करते नहीं मालूम होता है, इसीलिए सर्वेक्षण से बहुत ज़्यादा छूट जाता है। तो सर्वेक्षण करते वक्त जब मैं पालक मंत्री था तो लिखित आदेश दिए थे कि ग्राम सभा को मालूम होना चाहिए सर्वेक्षण हुआ, पूरा डिटेल सर्वेक्षण होना चाहिए। और तुरंत सरकार ने, मैं मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जी से भी पत्र लिखा हुआ है, तुरंत 25,000 रुपये हेक्टेयर की नुकसान भरपाई देनी चाहिए। पिछले बार के नुकसान भरपाई के नियर अबाउट 35 करोड़ रुपये सरकार ने अभी दिए नहीं है, वो भी सरकार के पास है, वो भी भेजना चाहिए तुरंत, तो किसानों को थोड़ी राहत मिलेगी, ये हमने कहा है। और सर्वेक्षण तुरंत करके तुरंत ही उनका मुआवजा देना चाहिए ऐसा बोला है। उन्होंने बताया कि इस ओलावृष्टि से करीब 50,000 हेक्टेयर का नुकसान हुआ है। इसमें नागपुर समेत पूर्व विदर्भ भी प्रभावित हुआ है। कपास, तुवर, धान, संतरा आदि फसलों का बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ है। इसके पहले भी अतिवृष्टि के कारण किसानों को नुकसान हुआ था। अब हाल ही में हुए नुकसान का मुआवजा जल्द से जल्द देने की मांग की है। जिलाधिकारी रविन्द्र ठाकरे समेत मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे इन्हें भी चंद्रशेखर बावनकुड़े इन्होंने भाजपा की ओर से ज्ञापन सौंपा है। कैमरा पर्सन राजकुमार मोहर के साथ नितिन शिकावकर की रिपोर्ट।